नमस्कार जी, कैसे हैं आप दोस्तों? आज जो है बहुत ही बुराई पर अच्छाई की विजय का दोस्तों दिन है। इस दिन आप दशहरे की पूजा करते हैं, भगवान राम से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हमेशा हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। और दोस्तों, आज के दिन नवरात्र की पूर्णता के साथ ही देश भर में विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। विजयादशमी का त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय का संदेश देता है। विजयादशमी त्योहार है संकल्प का कि हम अपने अंतरंग में उपजी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सन्मार्ग पर अग्रसर हो सके। देश के अलग अलग हिस्सों में विजयादशमी का त्योहार अपनी अपनी लोक परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। इस दिन रावण दहन भी किया जाता है, जो बुराई एवं अहंकार का प्रतीक है। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा एवं शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। विजयादशमी के दिन देश के कुछ हिस्सों में अष्ट पूजन भी किया जाता है। सनातन धर्मानुसार विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष का पूजन अवश्य किया जाना चाहिए। विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष के समीप जाकर उसे प्रणाम करें। तत्पश्चात शमी वृक्ष की जड़ में गंगा जल, नर्मदा जल, शुद्ध जल का सिंचन करें। जल सिंचन के उपरांत शमी वृक्ष के सम्मुख ज्योत प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलन के पश्चात शमी वृक्ष के नीचे कोई सांकेतिक शस्त्र रखें। तत्पश्चात शमी वृक्ष एवं शस्त्र का यथाशक्ति धूप दीप निवेद आरती से पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के उपरांत हाथ जोड़कर निम्न प्रार्थना करें। शमी शम्यते पापम शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी, करिष्यमाण यात्रया यथा कालम सुखम मया तत्र निर्वग्न कर्तृत्व भव श्री राम पूजिता। अर्थात हे शमी वृक्ष, आप पापों का क्षय करने वाले और दुश्मनों को पराजित करने वाले हैं। आप अर्जुन का धनुष धारण करने वाले हैं और श्री राम को प्रिय हैं। जिस तरह श्री राम ने आपकी उपासना की, हम भी करेंगे। हमारी विजय के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं से दूर करके उसे सुखमय बना दीजिए। प्रार्थना उपरांत यदि आपको शमी वृक्ष के समीप शमी वृक्ष की कुछ पत्तियां गिरी मिले तो उन्हें आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण कर लाल वस्त्र में लपेट कर सदैव अपने पास रखें। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आपको शमी वृक्ष से समेव गिरी पत्तियां ही एकत्र करना है तथा शमी वृक्ष से पत्तियां तोड़नी नहीं है। इस प्रयोग से आप शत्रु बाधा से मुक्त एवं शत्रु पराभव करने में सफल दोस्तों हो जाएंगे। दोस्तों, मैं साथ ही साथ आपको शमी वृक्ष की कथाएं भी सुना देती हूँ। दशहरे पर शमी के वृक्ष का पूजन किया जाता है और इसकी पत्तियां एक दूसरे को बांटी जाती हैं। तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के पूर्व शमी वृक्ष के सामने शीश नवाकर अपनी विजय हेतु प्रार्थना की थी। बाद में लंका पर विजय पाने के बाद उन्होंने शमी पूजन किया था। संभवतः तभी से शमी के वृक्ष की पूजा कर प्रचलन रहा है। यह भी कहा जाता है कि लंका से विजयी होकर जब राम अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने लोगों को स्वर्ण दिया था। इसी के प्रतीक रूप में
दशहरे पर खास तौर से सोना चांदी के रूप में शमी की पत्तियां बांटी जाती हैं। कुछ लोग खेजड़ी के वृक्ष के पत्ते भी बांटते हैं, जिन्हें सोना पत्ती कहते हैं। तो दोस्तों मैं दूसरी कथा भी आपको सुना देती हूँ। महाभारत अनुसार पांडवों ने देश निकाला के अंतिम वर्ष में अपने हथियार शमी के वृक्ष में ही छिपाए थे। बाद में उन्होंने वहीं से हथियार प्राप्त किए थे। तब उन्होंने हथियारों के साथ ही शमी की पूजा भी की थी। इन्हीं हथियारों से पांडवों ने युद्ध जीता था। संभवतः तभी से शमी के वृक्ष की उपासना और हथियारों की उपासना कर प्रचलन प्रारंभ हुआ होगा। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि वर्तनु ने अपने शिष्य कौत से शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। या मांग सुनकर कौत महाराज रघु के पास गए और उनसे यह रकम मांगी। महाराज रघु ने कुछ दिन पहले ही एक महायज्ञ करवाया था, जिसके कारण खजाना खाली हो चुका था। तब उन्होंने कौस से 3 दिन का समय मांगा। राजा धन लुटाने के लिए उपाय खोजने लग गया। कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का निश्चय किया। राजा ने सोचा स्वर्गलोक पर आक्रमण करने से उसका शाही खजाना फिर से भर जाएगा। राजा के इस विचार से देवराज इंद्र घबरा गए और कोषाध्यक्ष कुबेर से रघु के राज्य में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करने का आदेश दिया। इंद्र के आदेश पर रघु के राज्य में कुबेर ने शमी वृक्ष के माध्यम से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करा दी। माना जाता है कि जिस तिथि को स्वर्ण की वर्षा हुई थी, उस दिन विजयादशमी थी। इस घटना के बाद से ही विजयादशमी के दिन शमी के वृक्ष की पूजा और उसकी पत्तियां एक दूसरे को बांटने की परंपरा प्रारंभ हुई। दोस्तों, इस प्रकार से शमी वृक्ष हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों धन्यवाद। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे मेरा चैनल आप पहले से सबसे पहले देख पाएंगे। या मोबाइल में या नेट जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप में, आप सबसे पहले मेरा ही वीडियो देख पाएंगे। तो धन्यवाद।